राहुल गांधी के सत्यम शिवम सुंदरम वाले ट्वीट को लेकर बीजेपी नेता मिलन भार्गव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ ही बता दे तो बड़ी बात होगी। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में सत्यम शिवम सुंदरम का जिक्र किया है, जिसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता ने तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी का चुनाव लड़ने के दौरान जनेऊ भी निकल जाएगा और तिलक भी लगाएंगे, मगर जैसे ही चुनाव खत्म होंगे हिंदू और सनातन उनके लिए डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता के तंज पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस देश में सत्यम शिवम सुंदरम बोलना भी राजनीतिक अपराध है। मैं तो बीजेपी वालों से कहूंगा कि लगा दो राजद्रोह का मामला राहुल गांधी जी के खिलाफ, यदि सभी शब्द आपके दफ्तरों में कैद है तो। देखिए, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ भी बता दें तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, इटालियन संस्कृति में पढ़े बड़े और लिखे राहुल गांधी जी चुनाव के समय हिंदू बनने का ढोंग करते हैं, उनका जनेऊ भी निकल आएगा, अब तिलक भी धारण करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव होंगे तो हिंदू और सनातन उनके लिए डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा और एड्स हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं से नफरत वो करते हैं, हिंदू उनको आतंकवादी नजर आता है, भगवा बलात्कारी नजर आता है। तो कांग्रेस पार्टी को ये बताना होगा कि वो हिंदू प्रेमी है या नहीं, ये चुनाव के समय याद आता है, लेकिन जनता जानती है कि मैं तो बीजेपी वालों से कहूंगा कि लगा दो राष्ट्रद्रोह राहुल गांधी जी के खिलाफ, यदि सभी शब्द आपके दफ्तरों में कैद हैं तो आप बता दीजिए कि हम लोग क्या क्या बोलें। जो लोग अपनी पार्टी में रामायण जलाने वालों को टिकट देते हों, रावण के उपासकों को टिकट देते हों, वो राहुल गांधी जी के हिंदू होने पर शंका उठाते हैं और सत्यम शिवम सुंदरम राहुल गांधी जी नहीं बोले, तो ये भ्रष्टों की फौज सत्य और सुंदर, उनसे इनका कोई नाता ही नहीं है।